हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि सातोशी माइनिंग ऐप में आप OEX की माइनिंग कर रहे होंगे और एक OG है उसकी माइनिंग कर रहे होंगे। ये प्रोजेक्ट यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ कौन कौन से आप माइन कर रहे थे। ये ग्लिम का जो है OG टोकन, और एक दूसरा था ये OEX का, ओपन एक्स का। तो ओपन एक्स का मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा, और जो OG होगा उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको देखने में समस्या होगी। अब क्या करते हैं, आपको यहाँ पे मी लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये कोर का ये एसेट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको कहीं भी इस लाइन में कहीं भी आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका OEX दिख जाएगा। आप यहाँ पूरी लिस्ट बनी होगी, उसमें जाके आप OEX सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिए कहाँ पे आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे आप के पास ये लिंक विड्रॉ एड्रेस लिख के आएगा। अब यहाँ पे ये समस्या आ रही है, जो लोग विड्रॉ ये लिंक कर चुके होते हैं, यहाँ पे लिंक कर चुके होते हैं अपना एड्रेस, वो तब भी उनके पास ये लिंक दिखाई पड़ता है। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, अगर आपने पूरा प्रोसेस किया है, वीडियो वेरिफिकेशन कर लिया है, फिर भी आपका ये दिख रहा है, तो आप फिर से जो मैं प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ यही करेंगे, तो वहाँ पे आपका ऑलरेडी लिंक ये लिख किया जाएगा, आपका विड्रॉ एड्रेस ऑलरेडी लिंक ये लिख किया जाएगा। जो नया कर रहे हैं उनके भी लिए सेम प्रोसेस है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे विड्रॉ एड्रेस आपको ला कर पेस्ट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, मेटामास्क में आप जाएंगे, जहाँ पे आपने कोर विड्रॉ किया था, तो कोर का एड्रेस ला के आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और आपका एसेट पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है, उसके बाद OEX लिंक विड्रॉ एड्रेस यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये करना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो कॉन्टैक्ट एड्रेस मैं अपने व्हाट्सएप में प्रोवाइड करा दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग जानते होंगे, तो मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा अगर आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस चाहिए OEX का, वरना कॉन्टैक्ट एड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि OEX का खुद का इनका एक वॉलेट है, वहाँ पे जाके आप अपना मेटामास्क का जो एड्रेस है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं। इम्पोर्ट करने का भी मैं आपको तरीका बताऊँगा। विड्रॉ एड्रेस आपको कौन सा डालना है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। मेटामास्क में अपना ओपन करता हूँ, मैंने अपना मेटामास्क ओपन कर लिया है। यहाँ पे कोर सेलेक्ट होना चाहिए, कोर का मेन नेट जो सेटिंग है वो आपको यहाँ पे कोर का मेन नेट का ब्लॉकचेन आपको यहाँ पे ओपन करके रखना है, जहाँ पे आपने कोर विड्रॉ किए थे। ठीक है, तो इस तरीके से ओपन हो किया जाएगा। अगर आपको किसी का कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह ना पता हुआ करे किसी ब्लॉकचेन का, तो यहाँ पे जो एड्रेस लिखा होता है आप इसको कॉपी करके वहाँ डाल देंगे, तो आपका काम चल जाएगा, वो आपको कॉइन उस समय मिल जाएंगे। बाद में कभी आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस पता चलता है तो आप उसको जाके यहाँ से इम्पोर्ट टोकन में जाके उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको ओपन एक्स का कॉन्टैक्ट अभी नहीं पता है, तो आप ये कॉपी करके वहाँ डाल सकते हैं, क्योंकि ये सेम होता है, क्योंकि जिस ब्लॉकचेन पे ये कॉइन होते हैं उसका ये एड्रेस सेम ही होता है। अभी आप देख लीजिए 0x0BED लिखा है। अब मैं यहाँ पे ओपन एक्स का ओपन करता हूँ, इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे रिसीव पे जाएंगे, रिसीव पे जाएंगे तो आप देखेंगे ये आपको एड्रेस यहाँ पे सेम दिखाई पड़ेगा, ये आप भी अपने में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये एड्रेस यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे डाल सकते हैं, या कॉपी का सिंबल बनाओ, यहाँ पे कॉपी करेंगे, अब जाएंगे सातोशी ऐप में, वहाँ पे इसको डाल देंगे। ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आप मेटामास्क से एड्रेस लेके वहाँ कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ओपन एक्स का खुद का एक वॉलेट है, उसको आपको डाउनलोड करना रहेगा, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आपका अगर वो नहीं हो पा रहा है तो आप प्ले स्टोर से जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं वहाँ पे दे दूंगा, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ भी आपको ये लिंक वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, वो दूसरा तरीका रहेगा, तो जो आपको अच्छा लगे। और अगर आप यही वॉलेट वहाँ पे आप ओपन एक्स के वॉलेट में इंपोर्ट करना चाहते हो, उससे क्या होगा, आपके यहाँ पे कोर होंगे, ठीक, तो आपको उस वॉलेट में डिपॉजिट नहीं करने होंगे, क्योंकि बाद में हो सकता है वो सेल करने के लिए कोर की ज़रूरत पड़े। इसलिए आपको क्या करना है, यही वाला जो वॉलेट है वो ओपन एक्स में इंपोर्ट कर लेना है, ओपन एक्स के वॉलेट में इंपोर्ट कर लेना है। तो इसके लिए आपके पास मेटामास्क का फ्रेज होना चाहिए। ठीक, मान लीजिए आपके पास फ्रेज है, तो मैं अभी आपको ओपन एक्स का एप्लीकेशन ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये ओपन एक्स मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक, जब आप पहली बार इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपके पास ओपन होके आएगा। ठीक, यहाँ पे लिखा होगा इम्पोर्ट, इम्पोर्ट करने का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे मेटामास्क का जो फ्रेज होगा वो यहाँ पे आपको लाके पेस्ट करना है। आपने यहाँ पे फ्रेज पेस्ट कर दिया, तो आप देखेंगे ये कर्सर आपका यहाँ पे होगा, तो ये कर्सर आपका यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये आपका जो लास्ट वर्ड है उसको आपको वहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ आपका क्रॉस बना हुआ है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक, फिर थोड़ा सा ऊपर आएगा, फिर क्रॉस कर देना है, दो बार करेंगे आपके जो लास्ट वर्ड होगा वो वहाँ पे आपका चला जाएगा। ठीक, अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे नेक्स्ट देख रहे हैं, आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, अब आपका ये वॉलेट इंपोर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे ये पासवर्ड बनाने के लिए आ रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये पूरा ओपन है, तो पहली लाइन में 1 2 3 4 5 6
सिक्स डिजिट आपको यहाँ पे टाइप कर देनी है, वही डिजिट आपको यहाँ पे भी टाइप कर देनी है, वो आपका वॉलेट का अनलॉक पासवर्ड बन जाएगा। तो अगली बार से जब आप वॉलेट ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपका इसको जरूरत पड़ेगी, तो आपको इसको लिख के रख लेना है कि आपने क्या पासवर्ड इसमें डाला है। अगर आपको ये नहीं मिल पाएगा तो आप उसका लॉगिन उसको साइन इन नहीं कर पाएंगे, फिर से आपको फ्रेश से इंपोर्ट करना पड़ेगा, भूल जाएंगे तो। इसमें ये प्रॉब्लम अभी नहीं है कि आप अगर पासवर्ड भूल गए तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। फिर से आप ये जो फ्रेज मैंने आपको डाल के बताए हैं इस तरीके से डाल लेंगे तो फिर से आपका वॉलेट इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन आप बार बार फ्रेज नहीं डालना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ये पासवर्ड याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड यहाँ टाइप करने के बाद में यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, वॉलेट लोड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, और थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा। ये नहीं कि आपने तुरंत डाला, तुरंत थोड़ा प्रोसेसिंग किया, वॉलेट ओपन हो गया। वॉलेट जैसे आप सबमिट करेंगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, फिर से आपका वही इंपोर्ट वाला जो साइन इन वाला साइन अप वाला पेज आएगा, तो थोड़ी देर बाद तुरंत से फिर से वो लोड होके आपके पास ये यहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप मिशन पे जाएंगे। मिशन पे जाने के बाद में ये मिशन ई लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपके कॉइन वो दिखने लगेंगे आपके यहाँ के, कि आपके पास कितने OEX कॉइन है। यहाँ पे अगर आपके कम दिख रहे हैं तो थोड़े दिन के बाद वो अपडेट हो जाते हैं, मेरे भी कम दिख रहे थे, वो धीरे धीरे अपडेट होते रहते हैं। इसको बैक चले आएंगे, बैक आने के बाद में आप यहाँ देख रहे होंगे नीचे हब लिखा हुआ है, आपको हब पे क्लिक कर देना है। ठीक, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे OEX लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे भी आपके ये कॉइन यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, ये कॉइन आपको यहाँ तभी दिखेंगे जब आपने मेटामास का जो एड्रेस कॉपी करके, जो मैंने आपको पहले बताया था मेटामास का वो एड्रेस कॉपी करके आपने सातोशी ऐप में लिंक कर दिया होगा। ये वाला एड्रेस अगर आपने सातोशी ऐप में लिंक किया होगा तो आपका वहाँ पे OEX में दिख जाएगा। अगर आप ये नहीं चाहते, आप नया वॉलेट बनाना चाहते हैं, तो नया वॉलेट आप OEX का यहाँ पे बना सकते हैं। बनाने के बाद में आपको यहाँ पे OEX लिखा होगा, इस पर क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये रिसीव लिखा होगा, रिसीव पे क्लिक करेंगे ये आपको यहाँ पे एड्रेस दिख जाएगा। इसको कॉपी करके आप वहाँ लिंक कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं, या तो आप मेटामास्क वाला लिंक कर दीजिए, मैंने देखो मेटामास्क वाला लिंक किया, ठीक है, अब मेरे यहाँ पे शो होने लगा। तो दो तरीके हैं, आपको कोई एक कर लेना है, चाहे वहाँ से आप कर लीजिए चाहे यहाँ से कर लीजिए। यहाँ के अगर कॉइन शो नहीं हो रहे हैं इसका मतलब आपका वॉलेट लिंक नहीं है। तो आप चलते हैं सातोशी अपने एप्लीकेशन में यहाँ पे। ठीक है, मैंने मेटामास्क का यहाँ पे एड्रेस डाल के, यहाँ पे एसेट पासवर्ड डाल के यहाँ पे लिंक कर लिया था, क्लिक किया था लिंक। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होकर आएगा, वहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस लिखा रहेगा, तो उस ईमेल पे OTP गया होगा। तो आप अपना ईमेल ओपन करके वहाँ से OTP कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे, उसको सबमिट कर देंगे, और उसके बाद आपका वीडियो वेरिफिकेशन का आएगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड होता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे वीडियो बनाने का उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। जब आप वो वीडियो वेरिफिकेशन आप अपना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ वो बताता रहेगा आपको क्या करना है। एक राउंड सर्कल आपके यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे बन के आएगा। तो आप क्या करिएगा, अपने मोबाइल की लाइट को, स्क्रीन लाइट को फुल कर लीजिएगा, मतलब ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, फिर आप वो जो बताता रहे कि अपना हेड लेफ्ट करिए, राइट करिए, ऊपर करिए, माउथ ओपन करिए, इस तरीके से अपने आंखों को ब्लिंक करने के बताएगा। तो आंखों को आप बंद ओपन करना है, क्लोज करना है, इस तरीके से ये बताएगा, आपका वो वीडियो वेरिफिकेशन हो जाएगा। जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, ठीक, वहाँ पे सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। अगर फिर भी फिर जब ये हो जाएगा उसके बाद फिर आपको ये लिख के आएगा कि लिंक विद एड्रेस, तो आप घबरा जाएंगे कि मैंने तो अभी सक्सेसफुल हो गया है, ये फिर से क्यों लिख के आ रहा है। तो फिर से लिख के आता रहेगा। अब ओपन एक्स में जाके देख लेंगे तो वहाँ पे आपके अगर कॉइन दिख रहे हैं इसका मतलब आपका सक्सेसफुल यहाँ पे लिंक हो चुका है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अब मान लीजिए जो ओपन एक्स का एप्लीकेशन है इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद में अगर इसको आप फिर से ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको वही जो पासवर्ड मैंने बताया था जो 6 डिजिट का था वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो वो आपको कैसे डालना है, उसके लिए आपको यहाँ पे साइन इन लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक, और यहाँ पे अपना वो जो पासवर्ड बनाया था वो डाल देना है, और डन पे क्लिक कर देना है, आपका वॉलेट वही फिर से ओपन हो जाएगा। यहाँ पासवर्ड डालने के बाद में मैंने डन कर दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से ये ओपन हो गया। यहाँ पे हब पे जाएंगे, ये आपको चेक कराने के लिए बता रहे हैं, आप OEX में जाएंगे और यहाँ पे आपको सेम वॉलेट ये ओपन हो जाएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करिएगा, अपने डाउनलाइन में इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।